नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां देवरिया जाते समय शिवपाल सिंह यादव गाजीपुर के एक होटल में रुके और पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान अयोध्या प्रकरण पर बोलते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि सबसे बड़ी अदालत है और उसका फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबे समय से यह मामला था, कल फैसला आ ही चुका है। हम लोगों का तो शुरू से ही रहा है, आपस में सहमति बन जाती, जब समय सहमति नहीं बनी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सब लोगों का विचार था, सभी समाजवादियों का भी विचार था कि जो कोर्ट का फैसला है वो कल फैसला गया, सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि यूपी में महिलाओं के साथ रेप की घटना हुई और यूपी में बिना पैसे के FIR तक नहीं होता, यहां तक बढ़ गया है यूपी में भ्रष्टाचार। आप देख रहे हैं गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। चला अचानक से कि आप देवरिया जा रहे हैं? मैं बनारस से चला हूं जी। आप रसड़ा होकर के इधर गाजीपुर में तो हैं ही जी, देवरिया कब का? आप देवरिया, देवरिया से कस्या, वहां पर जो कुशीनगर महोत्सव होता है ना, मुझे हर साल जाना पड़ रहा है। तो कोई विशेष प्रयोजन? तो उसी महोत्सव में सर, एक ऐतिहासिक फैसला कल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस बारे में क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी अदालत है तो उसका फैसला है, और बहुत लंबे समय से ये सुप्रीम कोर्ट में मामला था, तो अभी कल फैसला आ ही चुका है। तो हम लोगों का तो शुरू से रहा है कि या तो आपस में सहमति बन जाती, जब सहमति नहीं बन पाई तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। फिर ये हमारा सब लोगों का विचार था, सभी समाजवादियों का भी था, अब वो सबको स्वीकार कर लेना चाहिए जिस तरह का और फैसला, शांति सद्भाव आपस में सभी सांप्रदायिक लोगों में प्रेम और सद्भाव और शांति बना रहे। अब है मामला देखिए, देश के सामने विकास तरक्की, अब बहुत सी चुनौतियां हैं देश के सामने। एक तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और विकास है। और विकास के साथ साथ जो इस समय देश में आर्थिक हमारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।